नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक नया स्टॉक को लेकर हूँ। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्टॉक का नेम है गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड। इसके कुछ ब्रांड्स हैं, बहुत ही तगड़े ब्रांड्स हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। यदि आप सिगरेट में देखें तो मैं सिगरेट सेगमेंट में आपको जाके दिखाता हूँ कि इसका बड़े ब्रांड्स, लेकिन मार्लबोरो वन ऑफ द लाइक पॉपुलर ब्रांड इमंग दैट स्मोकिंग पर्सन्स, फोर स्क्वायर बहुत पॉपुलर ब्रांड है। तो इसने सिगरेट सेगमेंट में देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा शेयर रखता है अपना, ठीक है। काफ़ी पॉपुलर से इसकी सिगरेट्स। इसे रिसेंटली, चूंकि तंबाकू बिजनेस का अपने एक रोड ब्लॉक्स हैं, गवर्नमेंट का नॉन सपोर्ट है, वो सब सब सारी चीज़ें होती हैं, तो इसने अपने आप को अब रिटेल में भी शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। 24/7, जैसा कि आप जानते होंगे, ऑल ओवर द इंडिया बहुत तेजी से अपनी ब्रांचेस खोल रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट इस पूरे ब्रांड का ये होता है कि ये 24/7 वर्किंग होता है। किसी भी टाइम जाके बेसिक रिटेल की जो नेसेसिटीज होती हैं वो पूरी कर सकते हैं, जैसे कुछ भी सामान ले सकते हैं, कुछ खाना ही मिल जाएगा, बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो आपको मिल जाती हैं वहाँ पे। तो ये इनका पूरा कॉन्सेप्ट है कि 24/7 आप यहाँ पे जा सकते हैं, उनके यहाँ वो सब सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। और इन्होंने रिसेंटली कैंडी के बिजनेस में भी अपने आप को लाइक इंजेक्ट करना स्टार्ट किया हुआ। तो ओवरऑल ये स्टॉक अच्छा है। इसकी जो इनके फाउंडर्स वगैरह हैं, जो इनके प्रमोटर्स वगैरह हैं, वो एक अच्छी थॉट प्रोसेस से इस स्टॉक को आगे लेके जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, तम्बाकू बिजनेस में जब उनको चैलेंजेस समझ में आना शुरू हो रहे हैं कि एक 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 थोड़ा सा हेल्थ फैक्टर लोगों के मन में धीरे धीरे बन रहा है, तो उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे रिटेल पे शिफ्ट करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। वे बैक अराउंड 6 to 7 8 years बिफोर ये उन्होंने प्लान स्टार्ट कर दिया था। तो इसी से आप पता चलता है कि ओवरऑल स्टॉक काफी अच्छा है। यदि इसकी हम फंडामेंटल एनालिसिस करें, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम टिकर टेप डॉट इन पे चलते हैं, ओवरव्यू पे भी हम जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अभी अराउंड 21 की पीई पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, ठीक है, और इस सेक्टर की पीई 48 के आसपास है। उसके से एक अच्छा खासा रूम अवेलेबल है ऑलरेडी, जिससे कि वो अपना वहां पे ग्रो कर सके अच्छे से, ठीक है। और किसी भी स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस के लिए सबसे बढ़िया चीज होती है उसकी फाइनेंशियल्स चेक करना, कि फाइनेंशियल वो कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्या ग्रोथ कर रही है। तो मैं पिछले 8 साल का देखें तो 2014 के आसपास 2500 रुपये, 2500 2505 सीआर के आसपास का टोटल रेवेन्यू था, जो कि ठीक ठाक रेशियो में बढ़ा। बीच में कोविड का इम्पैक्ट था, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उसने काफी हिट किया कंपनी को, बट कंपनी अपने ग्रोथ स्टॉक पे फिर से आ चुकी है और एक बहुत बड़ा लाइक 3374 सीआर का टोटल रेवेन्यू अभी तक कर चुकी है। ईयर एंड की जब बैलेंस आएगी तो मुझे लग रहा है कि 4000 के नियर अबाउट इस साल को ये क्लोज करेगी कंपनी। तो एक अच्छा ग्रोथ है, ठीक है। एक लगातार रेवेन्यू में ग्रोथ होना, वो भी इतने लिमिटेड प्रोडक्ट के कैटलॉग के साथ में, एक एक बड़ा अचीवमेंट होता है। और इससे ये पता चलता है कि प्रोडक्ट की पॉपुलरिटी एक नेक्स्ट लेवल पे है, ठीक है। और यदि हम नेट इनकम देखें तो अभी आपको उसी रेशियो में बढ़ते हुए देखें कि बहुत ही अच्छी नेट इनकम है, जो कि 2014 में 175 सीआर के आसपास थी, वो आज 530 के आसपास है, ठीक है। यानी 3 से 4 गुना उसका नेट इनकम हो चुकी है, जबकि उस रेशियो में उसका रेवेन्यू नहीं बढ़ा। दैट मीन्स कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो आपका लाइक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसको बहुत अच्छी तरह से, बहुत टाइटली इन प्रमोटर्स मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं, सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल बना रहे। तो ये ओवरऑल आउटलुक इसका बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छे अच्छा से लाइक इनका फ्यूचर जो इनका है बहुत ही अच्छा दिख रहा है। फंडामेंटली बड़े बड़े फन है, लाइक म्यूचुअल फंड्स ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, बड़ा स्टेक ले रखा है। तो ओवरऑल फंडामेंटली यदि इस स्टॉक को देखें तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, ठीक है। एक काफी टाइम से, लंबे टाइम से एक थोड़ा सा एक रेंज में फंसा हुआ था, वो भी हम टेक्निकल एनालिसिस में चलेंगे तो हम चेक करेंगे कि टेक्निकली ये स्टॉक क्या कर रहा है, ठीक है। तो फंडामेंटली ओवरऑल लुक्स गुड, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, अच्छा रिटर्न बना के लोगों को देता है, शॉर्ट टर्म टाइम में बहुत अच्छा क्विक ग्रोथ करता है। चलिए, अब हम ये तो इसकी ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस थी जो हमने की, अब हम चलते हैं काइट पे, जो कि जदोदा का प्लेटफॉर्म है, वहां पे इसकी टेक्निकल एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। ये देखते हैं कि एक्चुअली ये स्टॉक अभी टेक्निकली क्या कर रहा है। हम काइट पे आ गए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने ऑलरेडी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया का जो स्टॉक है ऑलरेडी लोड करके रख दिया है। और मैंने यहाँ पर लाइक मंथली कैंडल लगाई हुई है, जस्ट फॉर दैट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। आप देखेंगे इस स्टॉक का बेसिक नेचर समझने का प्रयास करिए आप लोग, मैं आपको बेसिक नेचर इस स्टॉक का समझाने का प्रयास करता हूँ।
ठीक है, ये एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ इसको, लेकिन उसके पहले मैं ये इस लाइन को एक्सप्लेन करूँ, उसके पहले मैं आपको कुछ और बताता हूँ। देखिए स्टॉक लाइक ट्रेंड कैसे लेता है, बेसिक नेचर इस स्टॉक का ये है कि एक करेक्शन करता है, एक ट्रेंड लेता है, एक छोटा सा करेक्शन किया, फिर एक ट्रेंड लिया, फिर एक करेक्शन किया, फिर एक ट्रेंड लिया, नाउ इज डूइंग करेक्शन। तो ओवरऑल ये इसका एक नेचर है कि एक एक लंबा करेक्शन के बाद एक क्विक ट्रेंड लेता है, फिर एक लंबा करेक्शन, फिर एक क्विक ट्रेंड, फिर एक लंबा करेक्शन, फिर एक क्विक ट्रेंड, फिर एक लंबा करेक्शन, और अब क्विक ट्रेंड लेने के लिए तैयार है। दिस इज हाउ द ओवरऑल नेचर ऑफ दिस स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक गॉडफ्रे फिलिप इंडिया। और ये जो इसका करेक्शन था, इन सारे करेक्शन से लंबा है। अब नोटिस करेंगे ये तकरीबन 2015 के आसपास शुरू हुआ था, और आज ये 2022 के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया, यानी तकरीबन 7 साढ़े 7 साल का इसका ओवरऑल लाइक करेक्शन पीरियड रहा है, विच इज वेरी लॉन्ग, इतना होता नहीं है यूजुअली अच्छे स्टॉक्स का, ये अच्छे स्टॉक्स में इसकी गिनती होती है। और आप देखेंगे इसने हमेशा जो इसकी 100 की लाइक वो है ईएमए है, 100 की ईएमए पे आके लगातार सपोर्ट ले रहा था, उसी पे सपोर्ट लेके ऊपर निकल और जाने का इसने प्रयास भी किया और निकल भी गया है। ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन की हम इस सपोर्ट लाइन की बात करते हैं। सपोर्ट लाइन को यदि आप देखेंगे तो एक मिनट में एक लाइन और खींच देता हूँ, विच विल मेक एवरीवन क्लियर। सी ये हो रहा है इस स्टॉक में, इस स्टॉक ने आके इस लाइन को, इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज को तोड़ा, जो इसके लिए पुराना रेजिस्टेंस था उसको तोड़ा, और फिर उस रेजिस्टेंस एरिया को सपोर्ट लिया। मैंने आपको हमेशा बताया जब भी कोई रेजिस्टेंस उसका सपोर्ट बन जाता है तो एरिया बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, वो एरिया फिर ऐसा हो जाता है कि उस प्राइस रेंज में स्टॉक दोबारा कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, ये जो इसकी 736 का जो इसका एक रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के उस पर काफी लंबा सपोर्ट लिया है, यानी अब ये मान लीजिए ये जो प्राइस रेंज है, मतलब ये पूरा रेंज ही मैं बता रहा हूँ, ये जो प्राइस रेंज है 1482 से लेके 736 की, अब ये इसके लिए बहुत पुरानी हो गई, अब इस रेंज में ये कभी नहीं आएगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर रेंज में अब कभी दोबारा आके फंसने वाला नहीं है, इसने बहुत अच्छी तरह से उसको टेस्ट कर लिया है। ठीक है, और अब इससे इसमें तकरीबन देखिए 7 सालों फंसा रहा है, इसने 7 ईयर्स इसमें लगा दिए हैं, तो एक 7 ईयर्स का टाइम बहुत लंबा होता है किसी भी स्टॉक। और इस दौरान ऐसा नहीं कि स्टॉक अच्छा कर नहीं रहा था, स्टॉक अच्छा कर रहा था, प्रॉफिट भी बुक कर रहा था, अपनी रेवेन्यू ग्रोथ भी कर रहा था, और अब लाइक तभी ये ग्रो नहीं कर पा रहा था। ठीक है ना, ग्रो मतलब शेयर प्राइस में ग्रो नहीं कर पा रहा था, ओवरऑल तो ग्रो कर ही रहा था। ठीक है, अब एक दूसरी चीज आपको बताता हूँ, जब भी कोई स्टॉक अच्छा स्टॉक जो अच्छा ट्रेंड वाला स्टॉक होता है, एक लंबा ट्रेंड में जाने वाला होता है, जब भी वो स्टॉक किसी भी तरह के करेक्शन में आता है ना, तो वहाँ हैवी वॉल्यूम स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये देखिए इस एरिया का वॉल्यूम कंपेयर करिए और इस एरिया का वॉल्यूम कंपेयर करिए, आपको कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी कि ये वो जगह है जहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने अपनी पोजिशन बनाना स्टार्ट कर दी। उन्होंने हैवीली पोजीशन बनाई यहाँ पे, क्योंकि उनको पता है ये स्टॉक बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, बहुत ऊपर लेके जाने वाला है, क्योंकि इसने ये इसके जो प्रमोटर्स है वो बहुत अच्छे आउटलुक के साथ आ रहे हैं, अपने आप को धीरे धीरे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, सो दैट उनको किसी एक बिजनेस पे उनकी डिपेंडेंसी ना रहे। ठीक है, तो ये उस तरह का स्टॉक है। तो अब और अब जो इसका 24/7 का जो बिजनेस है वो इसका प्रॉफिटेबल कन्वर्जन स्टार्ट हो गया है, उसने बहुत तेजी से लाइक स्टोर्स ओपन कर रहा है, मतलब आप नियर अबाउट में आप किसी भी एक ठीक ठाक सोसाइटी में आप जाएंगे तो आपको 24/7 का लाइक आपको एक लाइक शॉप मिल जाएगा, एक ठीक ठाक एरिया में, लाइक नॉर्मल एरिया में नहीं मिलेगा बट ठीक ठाक एरिया में ये शॉप ओपन हो रहा है, यानी एनसीआर में हैवीली ओपन हो रहा है, साउथ इंडिया में भी, मतलब हर जगह ये अपने आप को इंजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है। इस एरिया में ये अकेले प्लेयर हैं, कोई प्लेयर नहीं है जो 24/7 में डील करता हो, जो सारे होता है 10-11 बजे तक क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, या किसी शॉप में मिलता भी है तो एक क्या तो किसी में फूड मिल रहा होगा, किसी में रिटेलर्स और आइटम नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, ये इसमें हर तरह का जो आपको जरूरत पड़ सकती है, फ्रॉम पार्टी टू मेडिकल सब कुछ मिल जाता है बेसिक्स में, इसलिए अलग तरह का थोड़ा ब्रांड है। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ी थॉट प्रोसेस से ये ब्रांड इन्होंने बनाया, और अभी तक इनका कोई कंपटीटर इस सेक्टर में फिलहाल नहीं है, इसलिए ग्रोथ इनको दिख भी रही है। ठीक है, अब इस रेंज में जाने का, अब ये यहाँ से निकल चुका है। यदि ओवरऑल मैं आपको लोगों को एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं, देखिए इस ट्रेंड लाइन को यदि इस तरह से मैं खींच दूं तो ये भी आप लोगों को वही बताएगी जो हम लोग मेरे हमारी प्रीवियस एनालिसिस बता रही है कि इसकी जो अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है इसी पर ट्रेवल कर रहा है। इस पे इसने कुछ दिनों के लिए अपने आप को सपोर्ट लिया, लेकिन सपोर्ट किस पीरियड में लिया, सपोर्ट उस पीरियड में लिया जब वो
1482 का जो रेजिस्टेंस था, जो उसने टॉप बनाया था, उसको नैरो डाउन कर रहा था। लेकिन देखिए, यदि मैं इस लाइन को रिमूव कर दूं, आपको क्लियर समझ में आएगा क्या हो रहा है। ट्रायंगल बन रहा है लगातार, ये नैरो डाउन हो रहा है, इसका एरिया लगातार नैरो डाउन हो रहा है। हमेशा यही होता है ट्रायंगल बनने में, क्या होता है, एक इसके पास बहुत सारा चांस क्या था, एक दो कैंडल यहाँ पे और बना सकता था ये, या उसके बाद ब्रेकआउट देता, उसने यही दे दिया, क्योंकि अब जगह बची नहीं है उसके पास। अब वो ऐसा नहीं कर सकता कि कीप ऑन लाइक डूइंग दिस, नो, ये हो ही नहीं सकता। या तो ब्रेक डाउन करेगा तो ब्रेकआउट करेगा। अब जिस तरह का नेचर है स्टॉक का, जिस तरह का प्रॉफिट है, तो ऑब्वियसली ब्रेकआउट कर रहा है, उसने करना ही था, उसने कर दिया। अब ब्रेकआउट हुआ है तो जाएगा कहां तक, अगला क्वेश्चन होता है कब तक जाएगा और कहां तक जाएगा, अब उसी की चर्चा करेंगे कि कहां तक जाएगा। उसके पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, सही, ये केवल एक नॉलेज परस्पेक्टिव में जो मैं खुद इन्वेस्टमेंट करता हूँ वही आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो केवल नॉलेज परस्पेक्टिव में इसे सीखिए, समझिए और फिर अपनी लाइक एनालिसिस के हिसाब से अगर अपना डिसीजन अपने हिसाब से लीजिए। किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी तरह का ये कोई एजेंट का कोई वो समझिएगा, मैं एक नॉर्मल इन्वेस्टर हूँ, अपना नॉलेज आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। दैट्स इट। अब आते हैं इसके टारगेट पे और इसके लाइक ड्यूरेशन पे। तो देखिए, इसके टारगेट की है यदि हम बात करें लाइक, उसके पहले मैं आप लोगों को चलिए मैं किसी और टाइम फ्रेम में भी दिखा देता हूँ इसको। इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। देखिए, मैंने ये वीकली में लगाया है, ठीक है। वीकली में भी ये स्टॉक वही सेम बिहेव कर रहा है, ठीक है, उसी रेंज में फंसा, ठीक है। और अब ट्रेंड लाइन भी देखिए, लगभग वही है ना। तो ओवरऑल ये स्टॉक लाइक हर टाइम फ्रेम में आप देख, आप किसी भी टाइम फ्रेम में टेस्ट कर लीजिए, उस टाइम फ्रेम में आप जाके यही पाएंगे कि ये स्टॉक एक पर्टिकुलर रेंज में फंसा, फिर आके इसने एक पैटर्न ब्रेकआउट दिया है और पैटर्न ब्रेकडाउट देके एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहा है। और बहुत सुनर वो अपने जो इसकी एक पैटर्न लाइक इसने ब्रेक किया है, उसके जो उसका जो टारगेट है उसको अचीव करेगा, ठीक है। अब हम फिर से मंथली हम लगा लेते हैं और इसका हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि इसका टारगेट वगैरह क्या रहेगा इसका। देखिए, टारगेट यदि मैं आपको लोग बोलूँ तो अभी ये 1872 का स्टॉक है। सबसे पास का जो टारगेट जो अभी तुरंत मुझे दिख रहा है वो अराउंड 50-60% का मूव देखिए दिख रहा है। 2500 से 2600 का पहला टारगेट है आपका, जो कि विद इन अ ईयर, बहुत ही जल्दी, मैं विद इन ईयर में ज्यादा बता रहा हूँ, 2500 से 2600 का टारगेट विद इन अ ईयर उसके पहले ही पूरा आपको टच करा के रख देगा। 3000 तो बहुत कम हो गया, मतलब 3500 के आसपास हम मान लीजिए, 3500 का जो टारगेट है ये 1.5 से 2 साल के आसपास ये टच करने की हिम्मत रख है स्टॉक में जो दिख रही है। ये दो टारगेट भी आपको मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन इस बार थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज है। इसका जो 2500 का टारगेट है, 2500 से 2600 का, वो विद इन अ ईयर, लगभग विद इन अ ईयर टच करने की उम्मीद है एज पर द करंट एनालिसिस, ठीक है। करंट एनालिसिस, स्टॉक मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तो अपनी एनालिसिस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एज पर द करंट एनालिसिस 2500 का पहला टारगेट है विद इन अ ईयर, दूसरा टारगेट 1.5 ईयर के आसपास, प्लस माइनस 1-2 महीने हो सकते हैं, ये आपको 3500 के, या 1.5 to 2 ईयर बोल सकते हो, आपको 3500 के आसपास थोड़ा आगे पीछे दिखेगा ये स्टॉक। तो ये इसका टोटल मैंने आपको ये वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ओवरऑल इस तरह का दिख रहा है इसका टारगेट। पहला टारगेट तो बहुत क्विकली टच करने वाला है, उसका सेकंड का फिर हम लोग बीच में एनालिसिस करेंगे, फिर देखेंगे आगे को किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है, और बेस्ड ऑन उसी एनालिसिस के हिसाब से मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी का जो मैंने था वो मैंने आपको बता दिया। तो चूंकि इस स्टॉक की काफी चर्चा है, चूंकि रिसेंट ब्रेकआउट हुआ है, काफी पुराना ब्रेकआउट हुआ है, और इस पर्टिकुलर कंपनी ने अपनी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के काफी लंबे तरह से, आप इसकी बैलेंस शीट भी रीड करेंगे ना, मैंने इसकी बैलेंस शीट भी देख रहा था, तो वो भी दिख रहा है उसमें कि कंपनी किस तरह के एफर्ट्स कर रही है, और जिसकी इनकी रिपोर्ट इन्होंने जो अपना लाइक ईयरली रिपोर्ट इन्होंने जारी की उसमें भी दिख रहा है कि ये अपने आप को डाइवर्सिफाई करने के लिए बहुत हैवीली इंफ्रा में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो जब इस तरह का प्लानिंग कोई कंपनी करती है तो वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए करती है, और उसका सर्टिफिकेशन भी हमको हमारे सामने है, वो वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम्स भी इस तरह के आ रहे हैं। तो ये रिटेलर्स के वॉल्यूम्स नहीं है, रिटेलर्स की इतनी पैसा होता भी नहीं है, हमारे आपके पास कितना पैसा होता है, हमारे आपके पास इतना ही पैसा होता है कि 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 20,00,000, 50,00,000, 1 crore, 2 crore, दैट्स ऑल, ये हमारी अपर लिमिट है, इससे ऊपर हमारे पास नहीं होता, बहुत होगा 5 crore, है ना, इससे ज्यादा एक रिटेलर्स की औकात नहीं होती कि वो जाके किसी भी स्टॉक में इंजेक्ट करे, वो भी एक में तो कभी करेगा ही नहीं, ठीक है ना, वही होगा भी तो वो। लेकिन जब बड़े प्लेयर्स आते हैं, FIIs आएंगे, DIIs आएंगे, इवन ये दोनों भी नहीं है तो नॉर्मल प्लेयर्स भी जो होते हैं, बड़े बड़े लोग जो बैठे हुए हैं मार्केट में, तो वो आते हैं तो इतने छोटे टारगेट के लिए, छोटे 10-20%, 50% या 100% के लिए वो आते नहीं है, वो आते हैं जो कंपनी को बहुत आगे लेके जाने के लिए आते हैं,
4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुने के लिए आते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो बना के देते हैं, बस हम लोग को पकड़ने वाली चीज होती है कि पकड़ लीजिए आप, तो बहुत भरे न आ रहे हैं, नहीं पकड़ पाए तो कोई बात नहीं। अदानी एनर्जी उसका एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है, मैं उसका भी एनालिसिस करके डालने वाला हूँ, ठीक है, कि अदानी एनर्जी ने अपना क्या किया है, उसके बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो ये था, इसकी चर्चा थी, तो मैंने आप लोगों से शेयर करने का प्रयास किया। थैंक यू दोस्तों। इस तरह की इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए, स्टॉक के अपडेट्स के लिए, म्यूचुअल फंड के अपडेट्स के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल फिनवेस्टिंग AK को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पर भी कुछ कुछ डालता रहता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज भी है फिनवेस्टिंग AK के नाम से, फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये सेम मेरे चैनल पर भी है, ट्विटर हैंडल पर भी है और फेसबुक पर भी, इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ये आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी चीज़ों को अपडेट जल्दी जल्दी आप तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।